सिटी में रहने वाले, बहुत ही कठिनाइयों से निकले हुए हमारी लता ताई, आज की हमारी ये शाम उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए। आइए उनको याद करते हुए एक अच्छी सी शाम हम आगे बढ़ाते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे सिंगर्स से। हमारे साथ आज कई सिंगर्स यहाँ पे हैं जो आपकी शाम रंगीन बनाएंगे, और हम लता जी के मेलोडियस सॉन्ग्स को आपके सामने पेशकश करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट के साथ। इनके गीत के बाद ही दूंगी, सुनिए सुप्रिया जी को।
सुप्रिया जी। दोस्तों मैं आपसे बताऊं, इनका नाम था सुप्रिया जयराज, इनका नाम है सुप्रिया जयराज एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल सिंगर्स। शी हैज़ डन हर ग्रेजुएशन इन कर्नाटक म्यूजिक। नॉट ओनली दिस, शी इज़ अ प्रोफेशनली फ्रीलांस म्यूजिक टीचर एंड सिंगर। She have also done album singing professionally. This was about our dear singer Supriya Jayaraj. You all will be surprised to know that our next singer is a very, very young singer. Her name is Ritya, our youngest child artist who is just 11 years of age. Ritya is learning Carnatic music since past 2 years. She's currently studying in grade 6 at our own school, Dubai. And she has also been a winner of IndieWood Talent Hunt UAE chapter. So come, let's listen to this beautiful young voice, Ritya. Sing a very superb song with us, and that's Lag Ja Gale. We have our viewers coming in. And thank you, Lakshmi ji. Thank you, Hina ji. Thank you, Sumesh ji. Thank you for watching us, and wait for some more surprises. Ritya. Yeah.
लोग ये नहीं जानते हैं, हमारी लता ताई जो थी ना, वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही यंग एज से शुरू की। उनका म्यूजिक से कहते हैं ना ब्लड रिलेशन रहा है। उन्होंने 5 साल की उम्र से अपने पिताजी से ट्रेनिंग शुरू की। उनका फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग 16-17 साल के आसपास हुआ, जो एक वाकई में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इस बीच इन्होंने अपने घर को चलाने के लिए एक्टिंग तक की थी, लेकिन उनको एक्टिंग में ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी। उनको जो था म्यूजिक से प्यार था, गाने में प्यार था, और उन्होंने ये प्यार हम सब तक पहुंचाया। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे हमारे नेक्स्ट सिंगर की बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट सिंगर हैं अश्विति। अश्विति जी हमारे साथ काफ़ी वर्सटाइल सिंगर हैं हमारे, अश्विति हरिकृष्णन जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर ऑफ लग्जरी यॉट्स रेंटल सर्विसेज एंड शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस हर चाइल्डहुड एंड हर आंट हैज़ बीन हर इंस्पिरेशन फॉर सिंगिंग। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद सेवरल सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स इन हर स्कूल एंड कॉलेज डेज। She has also sung title songs in some telefilms, serials, and campus films. तो आइए अश्विति जी से हम सुनते हैं दिल हूम हूम करे। प्लीज अश्विति जी आइए। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू ऋत्विक जी फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू पद्मनी जी।
Thank you, Birwa Chhatwar ji. Thank you, Maya ji. Thank you, Mini ji. Thank you so much. We really are very happy to have you all here with us. So going ahead with our next singer, again, we have Ridya coming in on stage with us. And unke saath, unka saath denge Mr. Prashant Joshi. मैं आप सबको प्रशांत जोशी जी के बारे में कुछ बता दूं. ही इज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ ऑयल एंड गैस स्टील फैब्रिकेशन बाय प्रोफेशन एंड ही हैज बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड एंड हिज फादर हैज बीन हिज ग्रेट सपोर्ट टू एनकरेज हिम फॉर सिंगिंग. ही हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन मेजर सिंगिंग कॉम्पिटिशंस एंड टू योर सरप्राइज हिज ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इंक्लूडेड बीइंग अ फाइनलिस्ट इन finalist in the Indian Idol UA phase in year 2007. So we welcome Mr. Prashant Joshi and Ms. Ridya, and they are going to sing a very nice song for you all from film Veer Zara Tere Liye Hum Hai Jiye. Thank you Divya Ji, thank you Maya Ji, and I really am very happy that you all are watching us from whichever country, whichever state you all are. Thank you very much. तेरे लिए हम
जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब हमें याद बेहिसाब, टू यू ऑल. हमारा एफ बी पेज पे कुछ ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच है, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू गो लाइव ऑन एफ बी. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्विच योर लॉग इन्स टू यूट्यूब. वी आर लाइव ऑन यूट्यूब राइट नाउ, सो प्लीज लेट्स सी यू ऑल देयर ऑन यूट्यूब. ओके, सो वी हैव सम लवली कमेंट्स कमिंग इन. दिव्या सोमेश जी कह रहे हैं सुपर सिंगिंग अश्वति. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट फॉर आर सुपर सिंगर अश्वति. We have Dr. Vyakti Joshi ji, wo keh rahe hain Prashant Joshi, you are an amazing, what a melodious voice and beautiful song. Great. Thank you so much, Vyakti ji. Thank you very much for your lovely comments. Payal Agarwal ji keh rahe hain nice tuning. Thank you again, Payal ji. Okay, so we go ahead with our next singing. Jo yes, main Daksha Jajal. This is the reason why I did not give you all my introduction before. I will be your next singer for the evening, and I will just give a short introduction about myself to you all.
I'm Daksha Jajal. I am an entrepreneur by profession and founder of D-Aura Creations LLC. My singing has always been my passion. I started singing 3 years back, and my family has always been my motivation, and they have encouraged me throughout for my dream of singing on these platforms. Yes, they are the ones who inspired me. Thank you so much, my family. I'm sure you're watching me right now, and I wanted to give these words to you straight here. So I'll be singing the song Ajeeb Dastan for you all. Thank you.
थैंक यू वेरी मच। ओके सो वी गो अहेड विद आवर नेक्स्ट सिंगिंग एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स जस्ट एज टू गिव अ मोर क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट हर आई वुड लाइक टू introduce Miss Hina Janendra Vishwakarma ji. She's a homemaker and have done her education in BSc in PCM. She has pursued her passion in singing for 6 years. She is now pursuing her passion in singing, and in spite not being a trained singer, she have been singing on Star Maker for 2 years now as her hobby, and that has bought the professional singing soul in her with her hard work and constant practice. She has always believed in learning, and that has helped her to fulfill her passion in singing. So here we welcome Miss Hina Vishwakarma ji, and she's going to sing Dil To Hai Dil. So let's go ahead and listen to her.
थैंक यू थैंक यू। डेफिनेटली हीना इज लुकिंग वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच। ओके धोनी जी ये भी कहना है, दक्षा गोइंग लवली एंड अजीब दास्तान नाइस अटेम्प्ट, थैंक यू सो मच धोनी जी, थैंक यू। ओके वी हैव मेनी मोर कमेंट्स कमिंग इन। ऋत्विक जी कह रहे हैं ओके ही इज रिप्लाई टू ध्वनिज कमेंट, थैंक यू सो मच ऋत्विक जी फॉर अप्रिसिएटिंग हीना जी सिंगिंग। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमारे साथ अगले सिंगर आ रहे हैं रिद्या जी, अगेन अ लिटिल चाइल्ड आर्टिस्ट हु विल बी सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू जिया जली। रिद्या प्लीज कम ऑन स्टेज। Superb, thank you very much Mona Malik ji, thank you very much, we are definitely looking and looking at your comments and we know you all are watching, please continue watching us, we have lots and lots of songs coming in, bahut hi zyada acha collection humne choose kiya hai aap sabke entertainment ke liye and please hamare sath yun hi jude rahiye, so we welcome Ridhya for Jiya Jale. Thank you.
lovely song chosen. Okay, we have comments coming in. Jasmi Sunil ji keh rahe hain, superb Aswati, you sang well. Congrats. Mona Malik, good. We have Dhoni ji saying, mature singing at tender age. Lovely, Ridhya. Thank you very much, Ms. Dhoni ji. Okay, we have lovely people joining on, and I'm sure they are waiting for some more exciting songs coming in. Moving ahead with our own late Lata Thai soulful songs. Aage badhne se pehle, main aapse bata dun. When Lata ji was asked, which is one such song that symbolizes the most memorable times of 50s, 60s, and that's when Lata ji ने उनको बताया कि बहुत सारे सॉन्ग्स में से सिर्फ एक अगर सॉन्ग उनको चुनना था तो वो था आएगा आने वाला. ये उनका मोस्ट मेमोरेबल सॉन्ग रहा एंड दैट इज़ वन ऑफ हर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स. यही नहीं, एक और ऐसा गीत उनकी ज़िंदगी में जुड़ा था जिन्होंने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आँखों में आंसू ला दिए थे, और वो गाना था ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी. इस गाने के बारे में मैं आपको आगे और इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताऊंगी जो हमारी लता जी के साथ जुड़ी हुई है. अब हम शो को आगे बढ़ाते हुए इनवाइट करेंगे हमारे सिंगर्स मिस सुप्रिया एंड शिबू जी को. मैं आपको बता दूं, हमारे जो सिंगर हैं मिस्टर शिबू बाबू, उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ. वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल सिंगर्स. ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड इज़ वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर एन आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन दुबई. ही हैज़ लर्नड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक फॉर 10 years अंडर CCRT स्कॉलरशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड studied Hindustani music for 1 year. He was a finalist of Air National Level Light Music Competition during 1995. He was winner of Kerala University twice for light music and recitation during 1996 and 1997. He was a part of a music band by Jeevan TV named as Elaya Nila and had done several stage shows in Kerala and UAE. So we go ahead and welcome Mr. Shibu and Miss Supriya, and they are going to sing the song Tere Bina Zindagi Se. So stay tuned and keep watching. Thank you.
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी जीवे किन, जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। Supriya, I'm sorry for that. I'm sorry. Okay, so I hope you all are enjoying, dear viewers, and if you are enjoying, do subscribe and like our Desert Voice channel on YouTube and Facebook. Currently, as I said, that we are not available on Facebook due to some technical glitch. I would like to invite you all on the YouTube channel right now. Okay, we have some amazing, very encouraging, I must say, comments coming in. Ritwik ji keh rahe hain, good singing, both of you. And we have Payal Agrawal ji saying, very nice control of voice at this small age. Keep it up, beta. You will go long way. I'm sure that comment is for Ridhya. Thank you so much. Dhwani Joshi Bhatt ji keh rahe hain, she is not eligible to comment. No, not at all. You are eligible. And thank you so much for commenting this wonderful performance. Thank you so much for your comment. Deepika Vishwakarma ji keh rahe hain, amazing. Aradhna Sharma ji keh rahe hain, nice. Jyotsna Rentala ji keh rahe hain, superb. We have Anuradha Sharma ji saying, mind-blowing performance by both. Thank you so much. Thanks a lot, all dear viewers, for your lovely comments. This definitely is an encouragement to all our versatile singers who are on stage with us over here. Okay, so we go ahead with our next singers. We have Miss Hina and Mr. Shailesh Kumar Thakwani ji. Just a small introduction on our singer, Mr. Shailesh Kumar Thakwani. He has been in UAE since past 30 years now, and he is an entrepreneur and currently an owner of food manufacturing business. His passion for singing started since childhood. He took training from late Mrs. Tripti Chakraborty. So yes, he is a trained singer and he's going to come and perform
with Miss Hina, the song Vada Kar Le Sajna. Miss Hina and Mr. Shailesh ji, please come on.
थैंक यू। आई एम श्योर आप सब एंजॉय कर रहे हैं इस शो को। हमारे सारे सिंगर्स ने कड़ी मेहनत की है आज की ये शाम आपके लिए रंगीन बनाने के लिए। आइए देखते हैं हमारे व्यूअर्स क्या कहना चाह रहे हैं। मिस ध्वनि जोशी भट्ट जी कह रहे हैं ऑलराउंडर इज ऑन बोर्ड। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वाकई में हमारे जो सिंगर्स हैं दे आर ऑलराउंडर्स। इनमें से कई मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, कई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट दे आर वर्सटाइल सिंगर्स विद अस। वी हैव अनुराधा शर्मा जी सेइंग कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस है ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। मोहित वाधवानी जी कह रहे हैं सुपर वाह मजा आ गया, बेस्ट वॉइस, दैट वॉज फॉर मिस्टर शैलेश जी। एंड वी हैव अंतिमा शर्मा जी सेइंग शैलेश जी बहुत खूब, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली कमेंट। ध्वनि जोशी जी कह रहे हैं लवली बोथ ऑफ यू, थैंक यू अगेन। रुद्रम इज सेइंग सुपर। सारद कृष्णन जी कह रहे हैं अश्वती हरी गुड वॉइस एंड नाइस सिंगिंग। अगस्त्या लोहार जी कह रहे हैं अमेजिंग प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिसिएशन। आप सब हमें देखेंगे, हमें लाइक करेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रेरणा बढ़ेगी एंड वी विल एंटरटेन यू मोर एंड मोर विद आवर लवली वॉइसेस। अनुराधा शर्मा जी कह रहे हैं एक्सीलेंट रिद्या, सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच फॉर दैट वन। सतीश कुमार शर्मा जी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग, थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स एंड इट डेफिनेटली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। आप अगर ये शो को एंजॉय कर रहे हैं प्लीज डू शेयर आर लिंक टू ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि वो भी हमारा शो देख के एंजॉय कर सके एंड दे विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आर शो विद अस टुनाइट। बस मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एंड हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पेशकश के साथ जो है एक डुएट गाना जो है जाने कैसे कब कहां। यस एंड दिस सॉन्ग इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय मी दक्षा एंड मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील परवानी जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो यस ही इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर एंड हैज अ रिटेल बिजनेस ऑफ परफ्यूम्स। He has been singing since past 10 years as a hobby and his father is his biggest inspiration. He sings for private events to fulfill his passion to sing. So, aaiye sunte hain. Mujhe to aapne sun hi liya hai. Ab sunte hain Sunil ji ke awaaz ki kamaal. And subscribe to our channel. Keep commenting. We will definitely try to reach all the comments and read out all to all our viewers. And please, please, please continue watching our show. And let us help help us entertain you more and more. Yes. जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और
इंस्पिरेशन मिल रही है इन सब चीजों से. यस मिस्टर जयराज जय सिंघानी जी कह रहे हैं सुनील पारवानी द गोल्डन वॉइस ऑफ रोमांस. यस डेफिनेटली ही इज डेफिनेटली अ गोल्डन वॉइस ऑफ रोमांस एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी पेशकश दी हमें आज. ध्वनि जोशी भट्ट जी कह रहे हैं लवली सॉन्ग सिलेक्शन सुनील जी एंड दक्षा परफॉर्मिंग वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच ध्वनि जी. थैंक यू अलॉट. प्रवीण उपाध्याय जी थैंक यू सो मच. जगदीश नथानी जी कह रहे हैं वाव नाइस सिंगिंग. थैंक यू सो मच जगदीश जी. जयराज सिंघानी जी कह रहे हैं सुपर्ब. थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स फॉर योर लवली कमेंट्स. बस हम आगे आपको इसी प्रोग्राम के साथ आगे चलते हुए
हम ये कहें कि ये था हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ लता जीज इवेंट एंड यस आगे हम बढ़ रहे हैं कुछ बप्पीदा की बातें करने. हमारे बप्पीदा की बातें अगर कहें तो यस ही इज द मैन ऑफ गोल्ड. उनके बारे में तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे देते ही रहेंगे, पर पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी पेशकश के साथ जो देंगे हमें मिस्टर शैलेश कुमार थकवानी जी. ये हमारे सामने आज गाने जा रहे हैं चाहिए थोड़ा प्यार. तो यस, ट्यून इन टू योर डांस शूज एंड स्टार्ट ऑन द डांस फ्लोर नाउ मिस्टर शैलेश जी. Thank you.
जादू भरी दिल को थामना। हर जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, छोकरी लोग बजाओ ताली। ला 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 थोड़ा प्यार चाहिए जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। ला 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 Thank you. Thank you so much, viewers. Thank you for your lovely comments. Okay, we have Deepika Vijayan ji commenting excellent performance, Aswati. We have Naren ji saying Aswati super voice, wow, thank you so much, thank you. Jairaj Jaisinghani ji keh rahe hain amazing Shailesh, bahut acche, thank you for your comment sir. Lajwanti Thakwani ji amazing, thank you so much. Sandeep Damodaran ji keh rahe hain superb Aswati ma'am. Jagdish Nathani ji keh rahe hain amazing concert with great singers and perfect compare. Thank you so much. Thank you so much for your lovely comments. Okay. अब इस शाम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ बातें कर लेंगे हमारे लेजेंडरी भक्तिदा की. ना ही सिर्फ सोना पहनते थे वो, लेकिन उनका दिल भी बहुत सोने जैसा था. आपको पता है वे इतना सोना क्यों पहनते थे? Well, he wore so much of gold all the time because he believed that God bought him good fortune. He was called a gold man, yes, and he wore 7 to 8 chains at all the time and considered the metal his God and lucky charm. He was a generational singer. Yes, of course he was a generational singer because agar aap dekhe to unhone chahiye thoda pyar se leke ulala tak ke gaane hame sunaye aur hame entertain kiya. So yes, and he was a superstar composer known for his high-pitched voice. His song Jimmy Jimmy got global recognition and he started playing tabla at 3 years of age. Wow, that's a very, very young age when he started to play tabla. The legend Kishore Kumar was his maternal uncle and he owned more than 75 kg of gold. Let's pay a tribute to the legend Bappida, continuing and listening to his most romantic song. मैं आपको नहीं बताऊंगी ये गाना कौन सा है, आप खुद ही सुन लीजिए. मैं वेलकम करूंगी मिस्टर सुनील जी को टू कम ऑन स्टेज एंड सिंग दिस लवली सॉन्ग फॉर अस. दिल में हो तुम, आंखों में तुम,
जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू।
थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये था हमारा ट्रिब्यूट टू बपीदा। आगे हम लता जी के साथ बढ़ते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हमने कभी महसूस भी नहीं की होगी, वैसी चीज़ें लता जी के साथ हुई है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कुछ ही देर पहले मैंने आपसे बताया कि ए मेरे वतन के लोगों गाने ने हमारे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी बात छिपी है। तो जिस दिन ये शो हो रहा होने वाला था, कुछ 26-27 तारीख के आसपास ये शो होने वाला था, उसी के एक दिन पहले हमारी लता ताई बहुत ही बुरी तरह बीमार हो गई थी और उनको नेक्स्ट डे ये शो भी करना था। अब उसी बीमारी की हालत में वो निकले, दिल्ली गए इस शो के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे और अगले दिन जब उन्होंने ये गाना स्टेज पे गाया, तब वो इस गाने को गाते वक्त वो खुद को भूल गई थी। वो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो खुद गा रही है और उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही नज़ारा आ रहा था, वो थे हमारे बॉर्डर पे खड़े रहे जवान। वो उनको ही उस टाइम पे उनको ही इमेजिन कर रही थी जब उन्होंने ये गाना गाया। और जब वो गाना गा के अंदर रूम में आई और वो चुपचाप से एक जगह पे जाके कुर्सी पे बैठ गए बिना किसी से बात किए, उनको ढूंढते ढूंढते फिर वहाँ महबूब साहब आए। उन्होंने कहा, लता चलो मेरे साथ, तुमसे किसी को मिलना है। लता जी ने कहा, किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा, पंडित जी खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। और वो उनका हाथ पकड़ के उनको पंडित जी के पास ले गए। जब पंडित जी उनसे मिले, तब उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ लता जी से कहा, लता तुमने तो मुझे रुला दिया आज। तो बस यही प्यारी सी कहानी है इस गीत के पीछे, जो है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर को पानी। बहुत ही यादगार गीत था। यस, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा गीत था ये। अब हम शो को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट हाफ ऑफ मेरा साया साथ होगा इवेंट का आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अगली पेशकश है आ जाने जा। मरहबा लेडीज कह रहे हैं, ऑसम अस्वति नाइस वॉइस। किशन अरोरा जी कह रहे हैं कीप इट अप। किशन अरोरा जी ये भी कह रहे हैं, रियली सरप्राइज टू सी यू सिंगिंग दक्षा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, नरेन जी कह रहे हैं, अस्वति सुपर सॉन्ग सिलेक्शन, नाइस वॉइस, गॉड ब्लेस यू। जयराज जयसिंघानी जी कह रहे हैं, दिल को छू लेने वाला परफॉर्मेंस सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। हम देख रहे हैं कि आप हमारे शो को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, हमारे सिंगर्स को प्रोत्साहित दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू अस डेफिनेटली। एंड यस, एक और आपको गुड न्यूज़ दे दूँ, हमारा फेसबुक लाइव फिर से शुरू हो चुका है, द टेक्निकल ग्लिच हैज़ बीन सॉल्व। आप हमें अब फेसबुक पे भी देख सकते हैं, सो डू गो अहेड लॉग इन टू आवर फेसबुक इन केस यू आर नॉट यूजिंग द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड सब्सक्राइब टू आवर पेज। एंड प्लीज़ जितना हो सके, अगर आप इस शो को इन्जॉय कर रहे हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये हमारी लिंक भेज दीजिए जो हमारे पेज की है, ताकि वो भी हमारा ये शो इन्जॉय कर सके और लता जी को याद कर सके। सो अगली पेशकश आ जाने जा।
थैंक यू वेरी मच. ओके गोइंग अहेड, हमारे साथ अगली सिंगर जुड़ने जा रही है मिस हेना, आई एम सॉरी मिस अस्वती जी, प्लीज स्टेज पर आ जाइए. उनका अगला गीत है ये दिल उनकी निगाहों के, बहुत ही बढ़िया गीत है, प्लीज एंजॉय.
हैप्पी टू सी ऑल दिस. थैंक यू सो मच. यस, देखें आप हमारे कमेंट्स क्या कहते हैं. सो वी हैव किशन अरोरा जी, वेरी गुड सिंगिंग. दक्षा, थैंक यू वेरी मच. रोशनी चेलानी जी कह रहे हैं एक्सीलेंट. शैलेश कुमार, कीप इट अप. ओके, वी हैव बिजी सतीश जी, शी सेइंग अश्वति, योर वॉइस इज सो मेलोडियस, तुम पे फिदा हो गए. वाह जी, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. श्रीजा सेतुनाथ जी कह रहे हैं सुपर अश्वति. And we have Payal Agrawal ji keh rahe hain nice voice. BG Satish ji keh rahe hain sweet voice. Satish Chandran ji keh rahe hain Asati, vocally you have a booming voice and bags of character in your tone. Lovely. What a lovely comment. Thank you so much for that. Jagdish Nathani ji keh rahe hain nice. Jaya Krishnan ji keh rahe hain Asati superb. Ambili Das ji keh rahe hain super song Asati. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे शो के साथ. हमारी अगली पेशकश है, इट्स अ सोलो अगेन, जो गाने जा रहे हैं मिस हिना, एंड वो हमारे सामने पेश करेंगे हमें और जीने की चाहत ना होती. मिस हिना, please can come on stage for this lovely performance.
जब लता जी छोटी थी तब उनकी करियर की शुरुआत कई कठिनाइयों से हुई है। जब वो 5 साल की थी तब की ये बात है, उनके पिताजी एक दूसरे उनके स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उस ट्रेनिंग के दौरान उनसे कहा गया कि आप अच्छे से नहीं गा रहे हो, आपको थोड़ा रियाज करना है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा तुम रियाज करो, मैं यूं जाके आ जाता हूँ। तो वे उनको छोड़ के चले गए। पीछे से लता जी उनको देख रहे थे रियाज करते हुए, तब उन्होंने कैच किया उनको कि ये तो गलत गा रहे हैं। वो जाके उन स्टूडेंट से कहा कि ये तुम सही नहीं गा रहे हो, इसका राग मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तब उनको उन्होंने वो राग सुनाया। जब वो उनको राग सुना रहे थे, जब उनको वो करेक्ट कर रहे थे, तब उनके पिताजी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने ये देखा कि अरे ये तो हमारी लता है जो इतना अच्छा इतना बढ़िया गा रही है, गायक तो हमारे घर पे ही है और मैं बाहर जाके ज्ञान बांट रहा हूँ। तो उन्होंने अगले दिन से सुबह 6 बजे लता जी से कहा 6 बजे उठ के रियाज पे लगना है। तब से लेके शुरुआत हुई हमारे लता जी की कहानी। तब से उनको गीत गाना सिखाया उनके पिताजी ने। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ अगली पेशकश है एक डुएट परफॉर्मेंस जो देंगे हमारे अश्वति जी एंड प्रशांत जी। मिस अश्वति एंड मिस्टर प्रशांत। बदन
बचती है शहनाई आसी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत ही बेहतरीन गाया आपने। दोस्तों आई होप आप ये शाम एंजॉय कर रहे हैं और जो हमने गानों की सिलेक्शंस की है आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जरा नजर करते हैं कुछ कमेंट्स पे। ओके वी हैव सबीर सोमनाथ जी सेइंग अश्वती सुपर्ब सिंगिंग, शशांक कुमार जी कह रहे हैं सुपर्ब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, किशन अरोरा जी नाइस कंपेयरिंग दक्षा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। रिद्धि पहलवानी जी कह रहे हैं वेरी नाइस, ऋत्विक विश्वकर्मा जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सिंगिंग हिना, ओके अनुराधा शर्मा जी कह रहे हैं लवली परफॉर्मेंस, मोना मलिक गुड दीदी, महेश पटेल ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रशांत एंड अश्वति, यस ये गाना आपसे कहूँ तो ये गाना प्रशांत जी ने बहुत ही अच्छे से उनके साथ अश्वति जी के साथ निभाया है और इट वाज डेफिनेटली साउंडिंग ओरिजिनल। महेश पटेल जी कह रहे हैं प्रशांत यू रॉक द स्टेज एज यूजुअल, जयराज जयसिंगानी जी कह रहे हैं गुड सिंगिंग अश्वति एंड है ना, पायल अग्रवाल जी कह रहे हैं प्रशांत वी ऑल नो यू फ्रॉम चाइल्डहुड एंड यू हैव ऑलवेज amazed with your performance, thank you so much Payal ji for your this lovely comment, yes to be very honest aap sab jo friends families relatives hain aap hame hum sab ke liye ek inspiration hai, hum singers ke liye hamare sare family members sare relatives friends ek inspiration ban jate hain jab hum aapke yahan se hame tareef milti hai to hame pata chalta hai ki yes we are doing going on the right path and definitely that is an inspiration that takes us to the next level, thank you so much for your comments. Mahesh Patel ji keh rahe hain Prashant great going college time room partner you always make us proud, Shrija Setunath ji keh rahe hain Aswati good singer Prashant yes, okay Priyanka Sharma ji keh rahe hain very nice singing hai na di keep it up, we have Suvidya Rajendran ji keh rahe hain sang beautifully Aswati well done, डॉक्टर व्यक्ति जोशी जी कह रहे हैं प्रशांत जोशी योर वॉइस इज सो डिवाइन एंड वेरी ब्यूटिफुल अमेजिंग गॉड ब्लेस यू ऑलवेज कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट।
वैष्णवी सुधीर जी कह रहे हैं क्लोज योर आईज एंड फील द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल. वेल संग अश्विति, वी वांट मोर ऑफ दिस. डेफिनेटली वैष्णवी जी, यू विल डेफिनेटली गेट मोर ऑफ दिस. स्टिल येट मेनी मोर लवली सॉन्ग्स कमिंग योर वे. किशन अरोरा जी कह रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट योर सिंगिंग एंड कंपेयरिंग दक्षा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मंजू महेश जी कह रहे हैं अश्विति. यस, थम्स अप. Okay, so going ahead with our next performance, next song coming in, Tere Bina Jiya Jaye Na. So here we go with the next performance that's being sung by me, Daksha. Thank you.
Show. We have many more comments coming in. Okay, Ambi Das ji keh rahe hain, super Aswati, awesome singing. Jismi Sunil saying, Aswati, great performance. Dipti Nathani ji keh rahe hain, wow, Daksha, you are amazing, beautifully sang. Thank you so much, Dipti ji. We have Pramod Mohan ji saying, nice performance, Aswati ji. Pooja Nathani ji keh rahe hain, wow, superb singing, Daksha, enjoying it. Thank you so much. Thanks a lot for enjoying our show. Keep watching. Stay tuned. Okay, we have Sri Kalpam ji saying, superb program. Thank you. Thank you very much. Jagdish Nathani ji commenting, superb voice, excellent singing, Daksha. Also, amazing compare skills. Thank you very much. Jyoti Kithani ji keh rahe hain, superb singing, Daksha, God bless you. Thank you, thank you very much. Jagdish Nathani ji ne hamare comment pe reply kiya hai, yeah, enjoying your show, Daksha. Anil Kumar ji saying, Aswati's song is super. Thank you so much. Ritvik Vishwakarma ji is saying, good, Daksha. Thank you very much for pouring so much of love to all us and all our singers. Thank you so much for all your lovely comments. Keep watching. We have lots more to come in store with you with lovely, lovely songs of Lata Dai. Okay, moving on to our next performance. We have Miss Supriya and Mr. Shailesh ji coming in singing Sagar Kinare for you. Mr. Shailesh and Miss Supriya. सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे, सागर किनारे जागी हवाएं
Aswati's singing was, yes, that was definitely a wow. Kishan Arora ji keh rahe, very nice singing, Daksha. Thank you so much. Thank you. Srija Setanath ji keh rahe, nice. And we have someone requesting, please put Shibu sir's song. We need to hear that. Yes, yes, definitely. We have Shibu ji coming in after this performance. You will get... definitely you will get to see sing him immediately after this performance. So let's not waste more time. We have just few more songs more for you all, and the next song we have is Karvate Badalte Rahe, and that will be sung by Miss Aswati and Mr. Sunil. Ah
इश्क डूब के खो जाएगा, जुल्फ के साए में दिल अरमां भरा सो जाएगा। तुम चले जाओ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, आपकी कसम आपकी कसम। हमको तुम बुला लेना सनम, कुछ गिला हो तो गले हमको लगा लेना सनम। टूट न जाए कभी ये प्यार की कसम, आपकी कसम आपकी कसम आपकी कसम आपकी कसम आपकी कसम। Okay, let's go ahead and check some more comments. Okay, what we have here? We have Anil Kumar ji saying Aswati's song is super. And we have Kishan Arora ji saying very nice singing, Daksha. We have Sri Kalpam ji, Aswati's singing was nice. Okay, we have some more comments coming in. La Jawab Dear Hena, very, very melodious singing. Anuradha Sharma ji keh rahe hain. जयराज सिंघानी जी कह रहे हैं लवली सिंगिंग आपकी कसम। यस इट वॉज इंडीड अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। सुनील प्रदीप इज सेइंग ब्यूटिफुल सिंगिंग अश्वति एंड को सिंगर। यस दैट्स मिस्टर सुनील जी। वी हैव श्रीजा सेतुनाथ जी सेइंग अश्वति योर सॉन्ग सिलेक्शंस आर गुड एंड योर वॉइस अमेजिंग वाओ अच्छू लव यू। Yes, of course, I will not deny on that. She definitely has a very melodious voice and she really paid a good justice to this song. Shrija Sethanath ji keh rahe hain, Sunil, nice. Ghanshyam Sadnani ji keh rahe hain, Om Shanti ji. Okay, Suni Pradeep ji keh rahe hain, very beautiful singing, aapki kasam. Shrija Sethanath ji keh rahe hain, Daksha, your performance, superb. Thank you so much. Thank you for your comments. वैष्णवी सुधीर जी कह रहे हैं अश्वति वन मोर टचिंग सॉन्ग लवली सॉन्ग। वेल वैष्णवी जी हम आपको नाराज नहीं करेंगे, वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट सिंस वी हैव आई थिंक मे बी अनदर 15 और 20 मिनट्स मोर फॉर आवर शो टू एंड एंड वी हैव सम मोर लवली सॉन्ग्स लाइंड इन फॉर यू ऑल। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द बेस्ट टू डिलीवर यू ऑल द बेस्ट। टू मूव अहेड बिफोर वी गो अहेड एंड with our continuation of the show, I would request all our viewers to please send this link to all your family, friends and relatives so that they can also enjoy the rest part of our show. And hamare saath please jude rahiye, hamare saath abhi bas kuch hi songs aur baki hain aapke liye jo bahut hi chunanda gaano mein se hain. So don't go anywhere, stay tuned with us and do subscribe our channel Desert Voice and like and comment on our link. So we go ahead with our next performance. Jaise ki hamare ek viewer ne
फरमाइश की थी उनको शिवू जी को सुनना है, तो हमारे नेक्स्ट सिंगर हैं मिस्टर शिवू एंड मिस हेना, जो आपके लिए 90s के एरा का गाना ले आ रहे हैं. यस, द मोस्ट फेमस DDLJ मूवी, जिनमें लता जी ने काफ़ी सारे गाने गाए और हमें बहुत एंटरटेन किया. वो म्यूज़िक आज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है. DDLJ has always been the most wanted movies and most wanted music till now. So we go ahead and invite Miss Hena and Mr. Shibu, jo gayenge tujhe dekha to ye jana sanam. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम.
सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी जी कह रहे हैं दक्षा योर परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब थैंक यू अश्वति वन मोर टचिंग सॉन्ग यस एज आई सेड थोड़ा सा डिफिकल्ट है सिंस वी हैव लेस टाइम बट वी आर ट्राइंग टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल फॉर यू ऑल ओके वी हैव मिस्टर जयराज जय सिंघानी जी कह रहे हैं अश्वति योर दिल होम होम करे सॉन्ग वॉज टू गुड वैष्णवी सुधीर जी कह रहे हैं अश्वति वन मोर टचिंग सॉन्ग ओके आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड दैट वन जिसमें सुनील जी कह रहे हैं लवली वॉइस अश्वति लव यू अनुराधा शर्मा जी कह रहे हैं अश्वति जी एंड प्रशांत जी यू बोथ सांग अमेजिंग अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स लेचुकानंद न्यू वर्ल्ड यस फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग अ कमेंट सेइंग शिबू वाओ थैंक यू दीप्ति नाथानी जी कह रहे हैं वेल सांग And we have Sunny Pradeep ji saying, wow, very lovely song and singing both. Tujhe dekha to ye. Yes. Thank you so much for your lovely comments. Thank you humare saath jude rehne ke liye. Bas kuch hi aur performance humare saath hai. Aur humari agli peshkash jo hai, wo isi gaane se hai, isi movie se hai. That is DDLJ. Aur ye gaana gaengi humare saath aaj Miss Supriya. Miss Supriya ji gaane ja rahi hai. Mere khwabe mein jo aaye. Yes, mere khwabon mein jo aaye. Enjoy the song, Miss Supriya, on stage. दूर दूर के यूं ही दूर दूर
मैं क्या करूं दिल मचलने लगा है तेरा दीवाना हो जाता है वो चुप चुप के फिर क्यों रहता है वो कर बैठा भूल वो ले आया भूल वो उससे क्या हो जाए चांद लेके आई मेरे ख्वाबों में जो आई आंखें मुझे चढ़ आखिरी पेशकश दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ आर इवनिंग आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड आवर शो एंड विद योर लवली कमेंट्स थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर ऑल योर अप्रिसिएशंस फॉर ऑल आवर सिंगर्स दिस इज डेफिनेटली अ मोटिवेशन टू अस एंड इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स सो वी गो अहेड एंड चेक आवर फाइनल स्लॉट ऑफ कमेंट्स वी हैव Lechukananji saying, DDLJ, song nicely rendered by both. Yes, very true. Thank you so much for that. Arushi Anand is saying, my dear Aswati, one more song, please. Well, Arushi ji, I am extremely sorry. Thank you so much aapki ye comment ke liye. But due to some time constraints, we are not able to give you another performance by Aswati. But yes, definitely, we are going to come up with another show very soon. And you will get to listen some more of Aswati ji's songs. And you will definitely enjoy that too. Again, like today. We have Lechukananji saying, Supriya ji, beautiful song. Thank you so much. Thank you, lovely viewers. Thank you for all your comments. अब हम last song आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो कुछ 2000s की era का गाना है और बहुत ही बेहतरीन गाना है I hope आप सबको पसंद आए तो हम गाने जा रहे हैं मैं गाने जा रही हूँ मिस्टर प्रशांत के साथ जो है जाने दिल में कब से है तू Stay tuned. दिल में कब से है तू जब से मैं हूं तब से है तू मुझको तेरे रब की कसम यारा रब से पहले है तू यारा रब से पहले है तू से है तू जब से मैं हूँ तब से है तू मुझको मेरे रब की कसम यारा रब से पहले है तू जाने दिल में कब से है तू जब से मैं हूँ तब से है तू मुझको मेरे रब की कसम यारा रब से पहले है तू हाँ यारा रब से पहले है तू
राही चले ना चले चलते हैं ये रास्ते, आओ चलो रुक गई रास्ते में किस वास्ते। मैं तो खड़ी हूँ यहीं, यार मिला जब से है तू, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ अब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, हाँ यारा रब से पहले है तू। Thank you so much.